फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नन्हे किड्स। आज हम करेंगे यूकेजी क्लास इंग्लिश प्रैक्टिस वर्कशीट। इस वर्कशीट को सिखाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि आप अपने बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में कुछ नया सिखा पाएं, क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा ये रहता है कि हम अपने 4 to 5 ईयर्स के बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं ताकि उनको स्टडी में इंटरेस्ट आए और जो हम सिखाना चाहते हैं वो सीख भी जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी फर्स्ट वर्कशीट है फिल इन द मिसिंग शॉर्ट वॉवल। यहाँ बच्चों को इस पिक्चर को देखते हुए इस फिलअप्स को कंप्लीट करना है। ये पेन की पिक्चर है, तो पेन में पी ई एन पेन। ये सन की पिक्चर है, एस यू एन सन। नेक्स्ट हमारी कैट की पिक्चर है, सी ए टी कैट, एच यू टी हट। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी वर्ड स्टार्ट विद सी एच एंड एस एच। यहाँ बच्चों को ब्लेंडिंग साउंड की हेल्प से इस फिलअप को कंप्लीट करना है। आप बच्चों को बता सकते हैं, जब भी हमारे वर्ड में श साउंड आता है तो हम एस एच का यूज करते हैं, जब हमारे वर्ड में च साउंड आता है तो वहाँ हम सी एच का यूज करते हैं। च मीन्स सी एच और श मीन्स एस एच। तो जैसे यहाँ पर शार्क की पिक्चर है, जब हम शार्क बोल रहे हैं तो हमारे वर्ड में कैसा साउंड आ रहा है, श मीन्स, यहाँ पर हमें एस एच लिखना है, शार्क, शेड, श, तो यहाँ पर भी हमारा एस एच आएगा। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी चीज की, चीज, च, तो यहाँ पर हम सी एच का यूज करेंगे, चेरी, च, च, सी एच। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी शिप की, श, एस एच। इस तरीके से आप बच्चों को सी एच और एस एच वर्ड की ब्लेंडिंग सिखा सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी मंथ्स ऑफ द ईयर। यहाँ बच्चों को मंथ्स नेम को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे फर्स्ट मंथ हमारा होता है जनवरी का, सेकंड फरवरी, मार्च, अप्रैल। इस तरीके से बच्चों को फाइंड आउट करते हुए मंथ्स नेम लिखने हैं। फर्स्ट मंथ होता है हमारा जनवरी, तो जनवरी को हम सबसे पहले लिखेंगे, जे एन यू ए आर वाई, जनवरी। इस वर्कशीट की हेल्प से आप ये देख सकते हैं कि बच्चा मंथ्स नेम को अच्छे से पहचान पा रहा है, रीड आउट कर पा रहा है या नहीं। फिर आप बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। सेकंड मंथ होता है हमारा फरवरी, तो यहाँ पर हम फरवरी की स्पेलिंग लिखेंगे, आर यू ए आर वाई, फरवरी, एम ए आर सी एच, मार्च। एंड फोर्थ मंथ होता है हमारा अप्रैल, ए पी आर आई एल, अप्रैल। फिफ्थ मंथ होता है मई, एम ए वाई, मई। इस तरीके से आप बच्चों को मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर तक आप बच्चों को इसमें से फाइंड आउट करने के लिए कहें और उसे करेक्ट ऑर्डर में लिखने के लिए कहें। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी आर्टिकल ए एन। यहाँ बच्चों को आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना है। ए का यूज़ हमेशा हम कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं और एन का यूज़ हम वॉवल के साथ करते हैं। वॉवल हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवल हैं। और जो रिमेनिंग लेटर होते हैं आपके, अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, ये सब हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो पहले आप बच्चों को वॉवल की प्रैक्टिस करवाएं कि ए, ई, आई, ओ, यू हमारे वॉवल हैं, हमारे 5 वॉवल होते हैं। देन उसके बाद बच्चों को ए और एन की प्रैक्टिस करवाएं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, इट इज डैश एलिफेंट। ए और एन का यूज करने के लिए हम अपने वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे। हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, ई। ई हमारा वॉवल है, तो वॉवल के साथ हम एन का यूज करेंगे। इट इज एन एलिफेंट। इट इज कैट। सी, सी हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज करेंगे। इट इज अ कैट। इट इज हाउस। एच, अब हम देखेंगे क्या एच हमारा वॉवल है, नो। इट मीन्स ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज करेंगे। इट इज एप्पल। ए हमारा वॉवल है, तो वॉवल के साथ हम एन का यूज करेंगे। इट इज बुक। क्या बी हमारा वॉवल है, नो। इट मीन्स ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज करते हैं। इट इज डैश इग्लू। आई, आई हमारा वॉवल है और वॉवल के साथ हम एन का यूज करेंगे। इट इज एन इग्लू। इस तरीके से आप बच्चों को आर्टिकल ए और एन की प्रैक्टिस करवाएं। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी सब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर बच्चों को हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस करवाएंगे। अब प्रोनाउन क्या होता है, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये सभी हमारे क्या है, प्रोनाउन, जिन्हें हम नाउन की जगह यूज करते हैं। सिस्टर मतलब एक लड़की के बारे में बात हो रही है, तो लड़की के लिए हमेशा हम शी का यूज करेंगे,
अच्छी। कार, कार यहाँ पर एक थिंग है, थिंग के लिए हमेशा हम इट का यूज करते हैं। थिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे, इट का, तो यहाँ पर हम इट लिखेंगे। मदर, मदर कौन है, एक फेमिनाइन है, एक लेडीज है, लेडी के लिए, गर्ल के लिए हम हमेशा शी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम शी लिखेंगे। पेन, पेन एक थिंग है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि थिंग के साथ हमेशा हम इट का यूज करते हैं। राजा, राजा एक लड़के का नाम है, तो एक जेंट्स के लिए, एक बॉय के लिए हम यहाँ पर ही का यूज करते हैं। कैट, कैट एनिमल है, और एनिमल के लिए भी हमेशा हम इट का यूज करेंगे। फादर, फादर भी हमारे मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं, तो उसके लिए हम ही का यूज करेंगे। सीता एंड गीता, जब दो या दो से ज़्यादा के बारे में बात हो रही होती है तो वहाँ पर हम दे का यूज़ करते हैं। लॉयन, लॉयन एक एनिमल है, और एनिमल के लिए इट का यूज़ करेंगे। तो पेरेंट्स, इस तरीके से आप बच्चों को प्रोनाउन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, उन्हें प्रोनाउन की पहचान करवा सकते हैं कि कब हमें शी का यूज़ करना है, कब इट का, कब ही का। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है विच साउंड। अभी कुछ ब्लेंडिंग साउंड है, बच्चों को पहले पिक्चर पहचाननी है और फिर उसका साउंड बताना है कि इसमें कौन सा साउंड यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पर थ्री है, थ, टी एच को हमेशा हम थ पढ़ते हैं, टी एच को हम क्या पढ़ेंगे, थ। थ्री, फोन, फ, फ के लिए हमेशा हम पी एच का यूज करते हैं। ये ब्रश की पिक्चर है, तो हमारा फर्स्ट साउंड कौन आ रहा है, ब्र, बी आर मीन्स ब्रश। ट्रंक, ट्र, ट्र के लिए टी आर का यूज करेंगे हम, ट्र। एंड नेक्स्ट ट्री की पिक्चर है, ट्र, तो ट्र के लिए टी आर का यूज करेंगे, ट्र। तो इस तरीके से आप बच्चों को साउंड की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी जंबल वर्ड। यहाँ बच्चों को मैंने कुछ पिक्चर बनाई है और उसके साथ उसकी स्पेलिंग लिखी है, पर स्पेलिंग को मैंने करेक्ट वे में नहीं लिखा है। आप बच्चों को इस पिक्चर की हेल्प से स्पेलिंग को करेक्ट ही ऑर्डर में लिखने के लिए कहें। जैसे ये बुक है, तो बुक में सबसे पहले क्या आएगा, ब, ब, ऊ, जब भी ऊ का साउंड आता है तो हम डबल ओ यूज़ करते हैं, क, के, बुक। इस तरह से ये ड्रम की पिक्चर है, ड, र, अ के लिए हमेशा हम यू का यूज़ करते हैं, अ, म, ड्रम। जो ट्री की पिक्चर है, ट्र, ट्र, पहले ट्र साउंड आता है तो ट्र के लिए टी आर का यूज़ करेंगे हम, ई, जब भी हम ई जब साउंड लंबा साउंड लेते हैं तो वहाँ पर हम डबल ई का यूज़ करेंगे, ट्री। ये रोज़ की पिक्चर, रोज, र, रोज, ओ, स, एस, और क्या रह गया हमारा, ई, तो हम यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारी एप्पल की पिक्चर, एप्पल, A P P L E, एप्पल। तो आप इस तरह से बच्चों को स्पेलिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, उन्हें वर्ड लिखना सिखा सकते हैं। तो पेरेंट्स, ये थी मेरी आज की UKG वर्कशीट। अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।